है दोस्तों, वेलकम टू दिस स्ट्राइकर सैक। और आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है भाई, जो माइनक्राफ्ट के कॉमन एरर्स थे तो उसका जो सिक्स्थ सॉल्यूशन की रहेगी ये वीडियो। सो एक्चुअली ये सॉल्यूशन मैं पहले भी काफ़ी पहले पोस्ट किया था, बट उसके अंदर मैंने उतना ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया था। और आज के इस सॉल्यूशन में इसको मैं फुल अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा पूरा। तो इस सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें जाना है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन में जाएंगे एंड अलाउ एन ऐप थ्रू फायरवॉल। तो यहाँ से हमें फायरवॉल के थ्रू जावा को अलाउ करना है। सो जस्ट क्लिक किया तो था मैं, एक मिनट थोड़ा, अच्छा ये इधर ओपन हो गया। सो ये एक जो विंडो आ गया भाई, यहाँ पर सारी एप्लीकेशन जो हमारे पीसी में इंस्टॉल है और उसको प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क पर एक्सेस दिया गया है यहाँ से। तो आपको बस मैं यहाँ क्लिक करके जे प्रेस करता हूँ तो अपने जावा में आ गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जावा के काफ़ी सारे, मतलब 5 के करीब कुछ दिख रहा है अवेलेबल है, बट एक्चुअली यहाँ पर बस अपने को एक की ही ज़रूरत है। बाकी जो 4 एक्स्ट्रा आ गए हैं वो इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी सारे जावा के वर्जन इंस्टॉल किए थे। जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि जैसे फर्स्ट वाला है तो आप देख सकते होंगे 1.8.0 का ये अपडेट 51 था, एंड सेम नेक्स्ट वाले के लिए 1.8.0 का अपडेट 271। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वाला था जावा, तो मैंने सारे जावा के वर्जन बाद में अनइंस्टॉल कर दिए, बट यहाँ पर रह गए हैं। सो हमें जो 51 अपडेट वाला था तो उसका मेन काम है तो एक ये हो गया। एंड ये जो जावा डब्ल्यू है तो ये भी एक्चुअली सेम फाइल है जो कि ये है, बट जावा डब्ल्यू वाली फाइल टी लॉन्चर के थ्रू ऑटोमेटिक आ जाती है यहाँ पे। अगर आप टी लॉन्चर यूज़ करोगे तो आपको जावा डब्ल्यू देखने को मिल जाएगा, और अगर माइनक्राफ्ट आप खुद से इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पर जावा टीएम वाला आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर, हाँ, जो सॉल्यूशन पहले ये बता देता हूँ कि बस इस सॉल्यूशन में ये है कि आपको प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों नेटवर्क पर एक्सेस दे देना है इसको। यानी अगर जावा है तो इसको भी दे दिए एक्सेस, जावा डब्ल्यू है तो इसको भी एक्सेस दे दिए। एक्चुअली मेरे इसमें दो जावा डब्ल्यू दिख रहा है, तो एक पे इधर पर प्राइवेट पर क्लिक है, एक पर पब्लिक पर। सो मुझे ऐसा इतना कुछ फ़र्क इससे पड़ा नहीं है अभी, यानी सारी चीज़ें जो मेरे पास एक्सेस है इसका भी जावा को डायरेक्ट। तो अगर आपके पास ये जावा की फाइल अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको किस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर मोर के डिटेल में बताता हूँ इसके, ये प्रोग्राम फाइल के अंदर, मतलब आपका जो भी सी ड्राइव या आपका जिसमें भी ओएस इंस्टॉल है उसके अंदर आपको प्रोग्राम फाइल रहेंगी। हो सकता है कि आपका 64 वर्जन हो तो उसके अंदर आपको दो प्रोग्राम फाइल का फोल्डर देखने को मिल जाएगा, एक नॉर्मल प्रोग्राम फाइल और एक x86। तो ये अभी मेरा x64 में इंस्टॉल है, तो प्रोग्राम फाइल में है जावा, जावा के अंदर GRE एंड फिर bin, उसके बाद java.w.exe। सो अगर आपके इसमें ये अवेलेबल नहीं है जावा वाला, तो आप जाइए सी में प्रोग्राम फाइल में चेक करिए आपके पास, अगर आपने जावा इंस्टॉल किए है तो, या दोनों में से एक ड्राइव में होगा, नॉर्मल प्रोग्राम फाइल में या x86 वाले में। तो आप जावा का फोल्डर ढूंढिए, उसके अंदर JRE या JDK शायद दोनों रह सकता है, अदरवाइज JRE में ही मेन रहता है वो। तो JRE में जाने के बाद bin पे जाइए, bin के अंदर आपको java.w.exe वाली फाइल दिख जाएगी, जस्ट वो आपको ओपन कर लेना है। यानी उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ अनदर ऐप, तो जो मैंने अभी लोकेशन बताया था आपको, जस्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा अलाउ अनदर ऐप पर। ठीक है, तो जैसे गाइज आप अलाउ अनदर ऐप पे क्लिक करेंगे तो ऐड एन ऐप का आ जाएगा, तो हम यहाँ से ब्राउज कर लेंगे। ब्राउज करने के लिए हमारे को सी में जाना रहेगा, तो सी में आते हैं। सी में यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोग्राम फाइल एंड x86 दो बना हुआ है। सो यहाँ पर हम x64 में हमारा जावा इंस्टॉल है, तो हम आएंगे जावा में जाएंगे, JRE में जाएंगे, bin के अंदर था सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा आपको जावा डब्ल्यू, तो आपको याली फाइल चूज़ करना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जावा के लिए हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से एडिट है तो मैं ऐड नहीं किया हूँ। और रही बात जावा डब्ल्यू की, तो ये आता है टी लॉन्चर की वजह से। सो इसकी भी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, ये रहता है आपका जो ऐप डेटा वाला फोल्डर रोमिंग और डॉट टी लॉन्चर, तो आपके वहाँ पर फिलहाल इसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जावा डब्ल्यू की, बट फिर भी अगर आपको चाहे तो आप जा सकते हो यानी आपके रोमिंग वाले फोल्डर में। और वो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कैसे क्या जाना है, तो आप यहाँ से रन डाल सकते हो। एक्चुअली मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको रन लिखना है और यहाँ पर डालना है एम्परसेंड डेटा ऐप डेटा, ठीक है, फिर एम्परसेंड इंटर। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे रोमिंग में आ गए। आप जैसे ही रोमिंग में आओगे तो यहाँ पे आपको डॉट टी लॉन्चर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट टी लॉन्चर का फोल्डर है। उसके बाद JVMS में जाना रहेगा,
फिर आपको जे आर ई मिल जाएगा। जैसे जावा में जे आर ई था वैसे सेम जे आर ई यहाँ पे है। ये माइनक्राफ्ट लॉन्चर वाले ने शायद ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर दिया, तो यहाँ जाके आपको बिन में जाके जावा डब्ल्यू, ठीक है ये जावा वाली फाइल है लेकिन हमें चाहिए जावा डब्ल्यू, ठीक है तो ये जावा डब्ल्यू है। तो जस्ट आप यहाँ पर उसको इस पोजीशन पे आके वाली फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। सो ये हो गया गाइस इसका एक सोल्यूशन कि आपको जस्ट यहाँ पर ये दोनों ऐसा क्लिक कर देना है, उसके बाद इसको ओके कर देना है। जस्ट ओके करोगे आप तो ये आपका जो प्रॉब्लम, मतलब 80% तो बोल सकते हैं भाई कि अगर फायरवॉल के इससे कोई इश्यू होगा तो यहाँ से वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। और ये मैं मतलब काफ़ी बार ट्राई किया हूँ, काफ़ी सारे लोगों को यानी इससे काम हुआ है, तो ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है। सो ट्राई करिएगा इस, उसके बाद बताइए अगर कुछ आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई, जैसा भी आप कमेंट कर दीजिए या फिर डिस्कॉर्ड पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।